On 29th April, the Physics Department of BITS Pilani bid farewell to the 2017 and 2018 batch. What happened there? Well, see it for yourself. So guys, मैं BITS पिलानी कैंपस से एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम कर रहा हूँ BE मैकेनिकल प्लस MSc फिजिक्स में। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट ने अपने 2017 और 2018 बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें सबसे पहले एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी। अवार्ड्स थोड़े अलग तरीके के थे, उनके विनर्स से चलिए आपको मिलवाता हूँ। Classes and spends most of his or her time in the library, has little to no social life. The Gold Max Award is proudly presented to Mr. Purushottam. मैं कह रहा वो कैसा लग रहा है Gold Max Award जीत के? मैं नहीं हूँ घोट, सबको बता था मैं घोट नहीं हूँ। चल झूठा। Next award, I think the professor is really excited for this. Is the professor's pet award. Along with seeing everyone's good grades, this individual has also been able to captivate the minds of our professors, being Mr. Goody Goody of the batch. This guy's name is Mr. Satyam. क्या बोलना चाहोगे प्रोफेसर पेट? नहीं, आप लोग का प्यार है और सत्यम प्रोफेसर पेट क्या? तुम बता तुम्हें क्या मिला? रुकना कैमरा देना। हमें तो पता ही था हमें क्या मिलने वाला है। Proudly presented to Mr. Thank you, man. Thank you. Eternally late. ये जब आता था सबका ध्यान पड़ता था यथार्थ लेक्चर आया है और सेकेंड ईयर के बाद लेक्चर ही नहीं अटेंड किए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ज़िंदगी में ना फिजिक्स और साइंस और नॉलेज लेना ये तो चलता ही रहेगा, मतलब कितने क्लासेस जाओगे, कितने क्विज दोगे, कितना सारा पढ़ाई करोगे, है ना। बीच बीच में आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है, आपको कुछ फन की ज़रूरत होती है। तो मैं भेजता हूँ ग्रुप पे मीम्स, इसीलिए मुझे मैन ऑफ कल्चर अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड सेरेमनी के बाद कुछ प्रोफेसर्स ने कुछ बढ़िया से गाने गाए। जिंदगी के सफर में गुजर जो वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 2 साल 1.5 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको भी और हमको भी। बिट्स के अंदर जब 2 या कम से कम 1.5 साल बच्चे नहीं थे और हम लोग यहाँ थे, तो हमको ये पता लगा कि बच्चों के बिना हमारी कोई लाइफ है ही नहीं। हम लोग आपस के लिए एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल सर, केवल पढ़ाई की बात नहीं है, ये जो इंटर रिलेशनशिप है जो हम लोग लंबे समय तक डेवलप करते हैं। हाँ। मुझे इसका एहसास हुआ। अब तुम सबको यहाँ देखकर और एक नए लाइफ को मैं जी रहा हूँ। आई एम रियली एंजॉयिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बड़े बनो, बहुत सक्सेसफुल। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। तो अंशुमन सर के इस मैसेज के बाद एक मैसेज मेरी ओर से। आई वुड जस्ट से जो मैं बोलता ही हूँ कि लाइक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। मेनी पीपल फील कि अरे अब तो 25 साल के हो गए, 23 साल के हो गए, तो वी कांट स्विच थिंग्स। बट आई ऑनेस्टली फील कि इवन इफ यू आर लाइक 30 यू कैन स्टिल एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड यू नो ट्राई आउट गुड थिंग्स रादर देन बीइंग एट 50 एंड देन रियलाइजिंग कि ओहो 20 साल पहले कर लेता तो बेटर होता। ट्राई आउट एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अकेडमिक से रिलेटेड कुछ ट्राई करो, यू कैन इवन ट्राई आउट सम नॉन अकेडमिक थिंग्स। यू माइट गेट वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ फ्रॉम देयर लाइक दोज एक्सपीरियंसेस। सो आई वुड जस्ट से कि हाँ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड या एंजॉय। ऑलराइट टाइम बम, ऑलराइट। अभी हमारा डिनर चल रहा है और चलो खाते हैं, भूख भी लग रही है। ये सुनिए शायद कितना पिएगा भाई।